हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं, आखिरी रीडिंग 2021 की, कि 2021 हमारी लाइफ में कैसा गया है, क्या अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं इस साल ने हमें, क्या अच्छा हुआ है इस साल में, और जो नया साल आ रहा है 2022, वो हम सबके लिए क्या लेके आ रहा है। सो ये रीडिंग बेस्ड होगी कंबाइंड एनर्जी पे। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कंबाइंड लेवल पे ये साल 2021 कैसा गया है और नया साल आप सबके लिए क्या लेके आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, द लास्ट रीडिंग ऑफ 2021। सबसे पहले लेट्स सी कि क्या समरी है 2021 की, कैसा रहा है 2021। सो 2021 इन अ समरी, 2021 मैजिशियन, लवर्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। यहां से भी हम कुछ कार्ड लेते हैं पहले। 2021 कम्युनिटी, मेन मेल, जर्नी, प्रिविलेज लेडी, एक और ले लेते हैं, मेन फीमेल। ओके सो गाइज, ये हैं आपके कार्ड्स 2021 के। हम यहाँ से भी कार्ड्स निकाल देते हैं पहले। 2021 रिकैप समरी, सीक्रेट एडमायरर, साइकिक एबिलिटी, एंड वी हैव इज लव। ओके गाइज, सो 2021 यहाँ पे ना हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, कपल कार्ड्स, जैसे कि आपने देखे होंगे। एक तो है हमारे पास मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस, और एक है हमारे पास मेन फीमेल और मेन मेल। सो आई एम गेटिंग दैट वाइब कि आप में से काफ़ी लोग, ठीक है, या तो इस साल नए रिलेशनशिप में आए हो, आपको कोई आपका पार्टनर मिला है नया, ठीक है, आप एक नए रिश्ते में आए हो, आपका कनेक्शन बना है किसी के साथ, ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक लेवल, एक हायर लेवल पे गया है। मतलब जैसे कि 2020 में और 2021 में अगर आप कंपेयर करो अपना रिलेशनशिप, तो इस साल 21 में एक रिलेशनशिप ना एक स्टेप आगे ही गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया अपने रिश्ते के बारे में और वो लोग मान गए हों, या फिर आपके पार्टनर ने प्रपोज करा हो आपको, ऐसा भी हो सकता है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई हो, बट कहीं ना कहीं एक लेवल, हायर लेवल पे आप दोनों गए हो, आपका भी इवॉल्व हुआ है, आपके पार्टनर भी एक लेवल हायर, स्पिरिचुअली एक लेवल हायर हुए हैं, या फिर आप
दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है. सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस ईयर फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए. तो काफ़ी लोगों का रिश्ता भी जुड़ा है, काफ़ी लोग नए लोगों से मिले हैं. सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर. ठीक है, आई वुड नॉट से 21 जो था वो बिल्कुल ख़राब साल था. रिलेशनशिप वाइज ये साल काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज लवर्स कार्ड भी आए हैं. सो इस साल काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिले हैं, अपने लाइफ पार्टनर से मिले हैं. ठीक है, काफ़ी इस साल काफ़ी लोगों की शादियां भी हुई हैं. सो इट वाज़ अ ईयर ऑफ यूनियन, काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है, काफ़ी लोग अपने यूनियन के बहुत नज़दीक आए हैं. ठीक है, इस साल ना आपकी बेसिकली ये जो साल था ये एक जर्नी था, आपकी एक जर्नी था, एक जैसे कि आपको अपने आप से मिलवाने के लिए. क्योंकि आई फील कि इस साल काफ़ी लोग स्पिरिचुअल बने हैं, बिकॉज मैजिशियन भी आए हैं और हाई प्रीस्टेस भी आए हैं. इस साल आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल बने हो, इस साल आप में से काफ़ी लोगों का बिलीव बढ़ा है डिवाइन के ऊपर. ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने इस साल एक कनेक्शन फील करा होगा विद द डिवाइन, जैसे एंजल नंबर्स, या आप लोगों का मन करता होगा टू यू नो टू पूजा करने का या कनेक्ट होने का डिवाइन के साथ. इस तरह से आप लोगों का एवोल्यूशन हुआ है इस साल. आई फील कि इस साल काफ़ी लोगों का जो इंट्यूशन लेवल है ना वो भी इंक्रीज हुआ, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है साइकिक एबिलिटी एंड हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी हैं. सो मे बी इस साल आप में से काफ़ी लोग शायद इस तरह की फील्ड में गए हैं जहाँ पे यू नो इट्स लाइक जहाँ पे इंट्यूशन का बहुत यूज़ होता है. ठीक है, द हाई प्रीस्टेस. सो आप या आपने जो डिसीजंस लिए होंगे इस साल वो किसी के बोलने पे नहीं या किसी के बहकावे में नहीं, आपका जो दिल, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है. आपने इस साल अपने इंट्यूशन की बहुत सुनी है, तभी आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ है. ठीक है, आई फील कि इस साल आपने काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करा होगा. मैजिशियन का कार्ड आया है, आपने जो भी मैनिफेस्ट करा है, आपने आप में से काफ़ी लोगों को वो चीज़ें मिली भी हैं. ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ों को पाया है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू मैनिफेस्टेशन. बट आई फील कि आपके और आपके पार्टनर का बॉन्ड इस साल काफ़ी एक हद तक बहुत स्ट्रांग हो गया है. ठीक है, जो भी पहले के जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो साल से जो आप अब ख़त्म हो रहा है ये साल, तो अब जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, 10 of Swords, इट्स लाइक एंडिंग, एंड हो रही है. ठीक है, ये साल आपसे वो चीज़ें लेके ही जाएगा, जैसे कि या आपने खुद ने सोचा है कि मुझे कुछ चीज़ों को जो है वो छोड़ना है. जैसे कि मान लो कोई बैड हैबिट हो गई, कुछ तरह का नेचर हो गया, कुछ तरह के लोग हो गए जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली इस साल ने आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे परेशान भी करा है, आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे एक ट्रिगर भी करा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ चीज़ें करो. ठीक है, एंड देन आई सी दिस एंजल नंबर 2112 या 1212 आप बोलते हो, आपको इस साल में भी ये जो एंजल नंबर है 1212 या 2112, ठीक है, इस तरह से, या 1122, ये एंजल नंबर आपको बहुत दिखा होगा इस साल. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. इस साल आपको काफ़ी मौके मिले होंगे जहाँ पे आपने अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करा होगा, या कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के काफ़ी क्लोज आए थे. अगर आप काफ़ी टाइम से अपने फैमिली से दूर रह रहे थे, तो आप एक काफ़ी आपका बॉन्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है अपनी फैमिली के साथ. ठीक है, तो एक इट वॉज़ अ गुड ईयर टू कम क्लोजर टू द फैमिली. ठीक है, आई फील कि ये साल ने आपको एक सेल्फ लव और सेल्फ इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन है वो सिखाई है. क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लेडी इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, ब्यूटीफुल. सो आप में से काफ़ी लोगों ने सेल्फ लव को प्रायोरिटी दी. ठीक है, इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी दी. आप लोगों ने जाना कि ठीक है, रिलेशनशिप इज़ फाइन, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन एक अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की अपना एक सेल्फ लव, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपने ये महसूस करा होगा या सीखा होगा अपने साथ कि जितना आप खुद से लव करोगे, उतना ही आप एक अच्छे पार्टनर को या अपने पार्टनर को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, आप इस साल एक जर्नी में थे. ठीक है, और इस जर्नी में आपने बहुत कुछ लर्न करा है, बहुत कुछ सीखा है, या मे बी आपने इस साल ट्रैवलिंग भी बहुत करी है ऐसा दिख रहा है, या आपने जनरली एक लाइफ जर्नी जो आपकी चल रही है ना, फाइनली जो एक एक जर्नी चल रही थी, एक साइकिल जो चल रही थी, वो साइकिल ख़त्म हो रही है और एक नया चैप्टर आप नए साल से शुरू करने वाले हो. ठीक है, यहाँ पे कार्ड था सीक्रेट एडमायरर. सो आप में से काफ़ी लोगों को इस साल प्रपोजल वगैरह भी मिले होंगे. आई फील दैट कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लिए होंगे, या फिर
अगर ऑलरेडी हैं तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करी होगी। लव कनेक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा साल था ये, ठीक है। भले ही मतलब आई विल नॉट से कि लड़ाई झगड़े नहीं हुए या सेपरेशन नहीं हुआ, बट सेपरेशन भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए, बट कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग, वो यूनियन, वो बॉन्ड फिर भी बरकरार था। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, आपने इस साल कुछ बुरे मोमेंट्स तो कुछ अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे, जहाँ पे आपने एक 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 इंजॉय करा होगा किसी लेवल पे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बट ये साल डिस्पाइट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, डिस्पाइट कि कितना भी ये साल डाउन में गया हो, डिस्पाइट कि ये साल ने आपको परेशान करा है, ठीक है, लेकिन ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, ये साल आपको आपके पार्टनर के और क्लोज करवा के जा रहा है, ये साल आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व करके जा रहा है। सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव कि आपने क्या सीखा है इस साल से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव कि जो आपको इस साल नहीं मिला तो जो आप वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे कि नया साल 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वॉट इज 2022 ब्रिंगिंग फॉर यू? 2022 में एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, रिलीज, हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। सो गाइज, ये आपके कार्ड्स हैं 2022 के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर आपका जाने वाला है 2022। सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे आया है ये, रिलीज, एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रीडम, ठीक है। बेसिकली इस साल ना, अब आप जो भी आपका पास्ट का बैगेज है वो आप कैरी नहीं करने वाले हो अपने साथ इस साल, ठीक है। मतलब ये आपने सोच ही रखा है, ये आपका रेजोल्यूशन है कि जो भी आपकी आपके अंदर जो बुराई है, आपके अंदर जो आप खुद जानते हो कि ये चीज़ गलत है, ठीक है, वो आप सब रिलीज़ करके इस नए साल में एंट्री करोगे। सो बेसिकली ऐसा अगर कोई रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे कुछ दोस्त हैं, ऐसे कुछ हैबिट्स हैं, ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म आपके कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो फाइनली आप एंड करके एक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला के उसको रिलीज़ करके उससे फ्रीडम आ पाओगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर फॉर यू, ठीक है। और हमारे पास हाई प्रीस्टेस जो है वो फिर से हमारे पास रिपीट हुए हैं, हमारे पास जो आपके 2021 के लिए भी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस थे, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इज अगेन। सो यहाँ पे बेसिकली आपके अंदर अगर कोई ऐसा टैलेंट है विच इज़ रिलेटेड टू साइकिक एबिलिटीज, या जहाँ पे यू नो आप दूसरों को गाइड कर सको, जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर सको, जहाँ पे अपना इंट्यूशन लेवल आपको यूज़ करना पड़े, या आपका अगर इंट्यूशन लेवल जनरल लेवल पे भी आप आपको ऐसा फील होता है कि आपका इंट्यूशन आपको एकदम सही गाइड करता है, तो ये नया साल भी आपका इंट्यूशन के ऊपर बहुत डिपेंड रहेगा कि आप जो भी डिसीजन लोगे अपने इस नए साल में भी वो आपको अपने अपने इंट्यूशन पे ही लेने हैं, ठीक है। आपके अंदर एक विजडम आएगा, आपके अंदर एक पेशेंस आएगा, और आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे उस चीज़ को लेके। सो बेसिकली ये साल जो काफ़ी स्पिरिचुअल जाने वाला है, काफ़ी इंट्यूटिव जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है एट ऑफ सोर्ड्स का, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन, फ्री विल। सो यहाँ पे ना आपको अपने ऊपर
एक डाउट नहीं रखना है कि आपको डाउट है अपने डिसीजंस के ऊपर, कंफ्यूजन में आप जैसे जिए हो अभी तक, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो अब सोर्स भी आया है इनडिसीजन, अवॉइडेंस, कंफ्यूजन. सो ये दो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि जब भी ऐसे सिचुएशन आए आपकी लाइफ में जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो दो चीज़ों के बीच में या दो सिचुएशंस के बीच में, आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर एक टैलेंट है एंड दैट इज़ योर इंट्यूशन, और आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है, और आपको अपने फ्री विल के ऊपर चलना है कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका फ्री विल क्या कह रहा है. कंफ्यूज तो आपको इस साल रहना ही नहीं है, बिकॉज ये साल रहेगा आपके एक्शन का साल, क्योंकि ये साल आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है. सिक्स ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, रिकॉग्निशन, सेल्फ एस्टीम, जहाँ पे लोग आपकी तारीफ करेंगे, जहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ोगे, जहाँ पे आप ये जो सारे बैरियर्स है उसको तोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, जहाँ पे एक्चुअली आप में इतना पोटेंशियल होगा कि आप पूरी पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो. अकम्प्लिशमेंट, सेलिब्रेशन, कम्प्लीशन, फाइनली वो एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और अब ये टाइम है कुछ अकम्प्लिश करने का, कुछ सेलिब्रेट करने का, कुछ अचीव करने का. तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी, ठीक है. बैलेंस का कार्ड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल, मॉडरेशन, बैलेंस का कार्ड, ठीक है. अभी तक अगर आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस रही है तो आपकी एनर्जीज में एक बैलेंस आएगा, आपके ऑरा में एक बैलेंस आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके खुशी मिल रही है आपको तो आप डेफिनेटली करिए. सेल्फ कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने आप को शांत रखना है, ठीक है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, और मॉडरेशन में हर चीज़ करनी है, ठीक है. लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है आपको इस साल. देन वी हैव टू ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स. थ्री ऑफ कप्स भी वापस रिपीट हुआ है हमारे पास. सो सेलिब्रेशन तो चलता आया है, आपने वो सेलिब्रेशन अगर प्लान किया है 2021 में, तो आप वो और 22 में आप वो चीज़ कंटिन्यू करोगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे. थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ आपकी कम्युनिटी के साथ आप और क्लोज आ सकते हो, अपने दोस्तों के संग क्लोज आ सकते हो, या कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे एक गैदरिंग हो रही है, एक पार्टी हो रही है जहाँ पे सब खुश हैं. एंड इस साल तो बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों की शादियाँ होंगी, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा. सो ये साल ना आपकी लव लाइफ के लिए एक नई उम्मीद लेके आ रहा है, नयापन लेके आ रहा है, चाहे मैरिड हो अब चाहे अनमैरिड हो, इट्स लाइक अ न्यूनेस, ठीक है, नया, इट्स लाइक अ न्यू फीलिंग, ठीक है, एज इफ कि एक नया प्यार हो, उस तरह की फीलिंग आएगी आपको, सक्सेस मिलेगी आपको, सेलिब्रेशन होगा, पार्टनरशिप होगी, कमिटमेंट होगा. सो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू. अब हम यहाँ से आपके लिए आखिरी कार्ड निकाल लेते हैं कि 2022 के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, गाइडेंस फॉर 2022. प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स. वाओ, सी आप प्रोटेक्टेड भी हो बाय एंजल, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो और एंजल्स आपके आसपास ही हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इन टू योर लाइफ, बहुत सारी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आप, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छी कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. यहाँ पे है वेलियंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन. तो इस साल ना एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हो कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, तो इंस्टेड ऑफ उसके लिए वेट करने के बजाय आप एक्चुअली एक्शन लोगे उस चीज़ की तरफ, ठीक है. इस साल ना आप बेसिकली आप एक्शन ओरिएंटेड आपका अप्रोच रहेगा और आप बहुत पैशनेटली अपने काम को करोगे. सो काफ़ी करेजस आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे इस साल, आप एक्शन लोगे एक्चुअली में. देन वी हैव पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ. यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लोग डांस कर रहे हैं, इट्स लाइक टू ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी इस कार्ड में मिक्स होके आई है. सो आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बहुत इंजॉय करोगे. तो फाइनली लाइक एक बहुत ही टफ टाइम के बाद एक बहुत ही अच्छा टाइम आपकी लाइफ का शुरू होगा. ओके गाइज, सो ये है आपकी रीडिंग. हैप्पी न्यू ईयर. आई विश कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे. टेक केयर, बाय.